माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने ले जा रहे हैं सज्जन और पानी का सालन। 1 किलो हमने लिए हैं शलजम, आधा किलो लिए हमने पालक, 4 चम्मच हमने लिए कुटी हुई सब्ज मिर्च। साथ में हम शामिल करेंगे लहसुन के 3 चम्मच और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। यह भी हम दूध की में शामिल करेंगे शलजम। शलजम के साथ जाएगी हमारी कटी हुई पालक और इसके साथ जाएगी हमारी कुटी हुई सब्ज मिर्च 4 चम्मच और इसके साथ हम शामिल करेंगे नमक, शामिल करेंगे 1 चम्मच, साथ में आधा चम्मच हल्दी का। सब चीज़ों को हम अच्छी तरह आपस में मिक्स करेंगे। ये हमारी सब चीज़ें जो हैं अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। तो हमने चूल्हे पर चढ़ा दिए और हम इसको 20 से 25 मिनट जो है ना हल्की आंच पे पकाएंगे। ये हम इसमें सब्ज़ प्याज जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम सूखा प्याज बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये हमारी रेसिपी जो है ना बिल्कुल देसी टाइप की बनेगी। जी दोस्तों, प्याज हमने जो है ना ग्रीन प्याज काट के रख लिया है। जी हमने इसको 25 मिनट पकाया है हल्की आंच पे। तो माशाल्लाह हमारे जो है ना शलजम और पालक अच्छी तरह गल चुका है। अभी हम इसको अच्छी तरह मैश करेंगे। जी हमने अभी इसको बहुत अच्छी तरह मैश कर लिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया। शलजम पालक के लिए हम मैदा बनाएंगे मसाला और मसाले में हम आयल की बजाय यूज़ करेंगे मक्खन। मक्खन हमने लिया 200 ग्राम। जी मक्खन का आयल जो है ना गर्म हो चुका है अच्छी तरह और अब हम इसमें जो है ना सब्ज प्याज को शामिल करेंगे। सब्ज प्याज को हम अच्छी तरह जो है ना इसमें फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। जी 5 मिनट हो गए हमें प्याज को फ्राई करते हुए और अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को ऑयल में और प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको भी ऑयल में फ्राई करेंगे। 4 मिनट हो गया अदरक लहसुन प्याज को फ्राई करते हुए। साथ में हम डालेंगे 2 अदद टमाटर। टमाटर को भी अच्छी तरह ऑयल में फ्राई करना ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर पानी की ज़रूरत हो तो आधा कप पानी भी डाल सकते हैं मसाले को फ्राई करने के लिए। जी हम इसमें 1 कप पानी डाला था और हल्की आंच पे हमने मसाले को दम पे पकाया 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद देखें हमारा मसाला जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। और जी हमारा मसाला रेडी होने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे अभी शलजम और पालक का सालन। ये शलजम और पालक का सालन को हम अच्छी तरह मसाले में मिक्स करेंगे आएंगे और इसको हम जो है ना तेज आंच पे भूनेंगे क्योंकि इसके अंदर जो पानी है शलजम का वो बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क कर। जी दोस्तों, सालन को हमने तेज़ आंच पे पका लिया, पानी भी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और सालन ने अपना ऑयल जो है ना वो भी छोड़ना शुरू कर दिया है। जी अभी हम इसमें धनिया को शामिल करेंगे।
धनिया हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। धनिया इसलिए ज़्यादा लिया है कि हमारी जो सब्ज़ी है ना वो भी सब्ज़ है और धनिया भी सब्ज़ है, और इसका जायका भी धनिया के साथ ही बनता है। जितना ज़्यादा धनिया होगा उतना मज़ाए टेस्टी बनेगी तुम्हारी रेसिपी। तो धनिया डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा जो है पकाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारे शलजम शलजम और पालक की। शलजम का सालन हमने डिश आउट किया है और मक्खन और के साथ हमने इसको सर्व किया। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है, आप लोग भी ट्राई करें। माशाल्लाह भी हम इसको खा के चेक करेंगे इसका टेस्ट कैसा है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया जी, आप भी ट्राई करें और अपना ख्याल रखें।